गुड मॉर्निंग एम फैमिली एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। सुबह की बज गई है 6 और मैं आ चुकी हूँ नहा धो के रेडी होके किचन में, क्योंकि आज है पूर्णमासी तो मुझे बनाना है सबसे पहले प्रसाद और करनी है पूजा। तो मैं लग रही हूँ किचन में फटाफट प्रसाद बना लूँ और कथा कर लूँ पूजा वूजा, फिर तब तक ये लूँगी जैसे सब रेडी हो जाएंगे उठ जाएंगे तो मैं मिलती हूँ आपसे प्रसाद बनाने के बाद। मैं यहाँ आई थी साड़ी लेने के लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने गुरु जी की समाधि पे, तो वहाँ पे चढ़ाने के लिए। तो साड़ी मैंने ले ली है, फल वगैरह मीठा वगैरह सब ले लिया है। बस अब निकलती हूँ और गाड़ी में बताती हूँ कि कहाँ किधर जाना है क्या जाना है। पहले बैठ जाऊँ जा रही हूँ आज गुरु पूर्णिमा के उस पर गुरु जी की समाधि। हमारे गुरु जी एक थे जिन्होंने समाधि ले ली है, जो कि सीतापुर रोड पे बख्शी तालाब के और भी आगे इंटरनल जाके पड़ता है। और पहली बात तो हाँ, एक चीज और मुझे बतानी थी कि कल मैंने गुरु पूर्णिमा की जगह कल के व्लॉग में बुद्ध पूर्णिमा शायद गलती से बोल जाओगा कि, तो उसके लिए सॉरी, वो शायद गलती से मुंह से निकल गया। तो नहीं, बुद्ध पूर्णिमा नहीं है, गुरु पूर्णिमा है। बाद में जब मैंने भी ब्लॉग देखा और रियलाइज किया कि मैंने गलत बोल दिया, तो एक चीज तो ये, और दूसरी ये कि मैं उस वहां पे जा रही हूँ, आज इतनी बड़ी पूर्णिमा है। तो जाती तो हर साल हूँ, लेकिन पिछले साल नहीं जा पाई थी, और उधर जब कोविड हुआ था तब उधर 2 साल उधर नहीं जा पाई थी। तो अब आज इस साल फिर से जा रही हूँ
और वहाँ पे सब कुछ होता है, पूजा सुबह से ही शुरू हो जाता है एक्चुअली। वहाँ पे फंक्शन वगैरह प्रोग्राम वगैरह होते हैं, पूजा होती है, भजन होते हैं और खाने पीने का भी इंतजाम रहता है, भोग लगता है, प्रसाद मिलता है, सब कुछ होता है। और बहुत से लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, जो भी उनसे एसोसिएटेड है उनको जानते हैं पहचानते हैं, तो थे मतलब, तो इसलिए सब लोग वहीं पे आज मिलते हैं, तो वहीं जा रहे हैं। बाकी मैप वगैरह, मैप खुला हुआ है तो देखते हुए जा रहे हैं, क्योंकि साल में एक ही दो बार ही आते हैं और दूर बहुत है, रास्ता थोड़ा बहुत सब हो जाता है, तो मैप से ही जा रहे हैं पर देखते देखते। और थोड़ा आज सुबह से बारिश की तो जो हालत इतनी भयंकर थी कि बता नहीं सकते, जिस वजह से बेटी भी स्कूल आज नहीं जा पाई, क्योंकि उसी समय इतनी पूरी रात बारिश हुई है और सुबह भी बारिश इतनी तेज हुई है कि मतलब इस तरीके का कोई भी सीन नहीं लग रहा था कि गाड़ी से बच्चे को लेके जाए, और इजी सेफ भी नहीं होता है और इजी भी नहीं था कि आप 12 किलोमीटर दूर जाओ, और इसके एरिया में, स्कूल के एरिया में पानी भी बहुत ज्यादा जल्दी भरता है, तो चले भी जाते तो भी दोपहर के टाइम हो सकता था, और बारिश होती तो कुछ फंस जाते, कुछ हो जाता, तो इसलिए ये हुआ कि हम लोगों ने ड्रॉप किया आइडिया कि स्कूल नहीं जाना है, तो फिर हम लोग यहाँ के लिए निकल पड़े। वरना मैंने कल आपके ब्लॉग में बोला ही था कि मैं इसको पिक करूंगी स्कूल से और फिर जाऊंगी डायरेक्टली, लेकिन अब थोड़ा प्रोग्राम में चेंज हो गया यही कि हम वो स्कूल नहीं गई, तो फिर हम लोग ऐसे 12 बजे के करीब घर से निकले हैं और पहुंच जाएंगे अभी 1:30 बजे तक के करीबन पहुंच जाएंगे। तो अब सीधे मिलूंगी आपको वहीं पे फंक्शन पे, समाधि पे, तो तब तक के लिए देखते रहिए मेरे ब्लॉग, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो अभी भी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं, समाधि पे आ चुके हैं, और भीड़ तो इतनी है गाड़ियों की, तो जो लाइन है, मैं अभी आपको उतरती हूँ फिर दिखाती हूँ कि कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियां हैं, और मुझे पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं है, तो देखते हैं। और रास्ता पतला होता जा रहा है, ये पूरा गाँव लुक लगता है देखने से। गूगल भी कह रहा है कि हम पहुंच चुके हैं, गूगल को बंद कर दो क्योंकि आ चुके हैं, यहीं पे कहीं देख लो। Thank you.
तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो वैसे सब कुछ हो चुका है, दर्शन हो चुके हैं, सबसे मिलना जुलना हो चुका है और प्रसादी खा लिया है, सब कुछ हो गया है। और एक यहाँ पे यहाँ और भी होता है कि आप लोग को जाते समय एक बॉक्स भी मिलता है, खाने पीने का भी मिलता है, ताकि आप लोग आराम से जाओ यहाँ से खा के और शाम को अपने घर में कुछ भी ना बनाना पड़े, तो इसलिए वो बॉक्स भी मिले हैं। और क्या क्या मिला है प्रसाद में, मैं आपको घर पहुँच के सब दिखाती हूँ। सबका यहाँ पे काम हो चुका है और अब बच्चों के तीन निकलते हैं घर में। दोस्तों शाम के बज गए हैं 7 और अभी अभी मैं बस उठी हूँ। सोई क्या, मुझे सोना नहीं था एक्चुअली, बट बेटी को बोला था कि वो चाय बना दो, वो चाय बनाने गई। जितनी देर में उसने चाय वाय रखी माइक्रोवेव में, और मैं पता नहीं कब एकदम सो गई, और अब जाके 6:30 बजे उठी हूँ, चाय वाय पी ली है अब तो, और कमरे से बाहर आई हूँ। और यहाँ पे जो इतना सब सामान वामान वहाँ से मिला था और वो सब है, उसको भी समेटना ज़रूरी है क्योंकि वो भी आने वाली होगी, मेड भी, बर्तन। खैर खाना तो हम लोग वहीं से खा के आए थे तो बर्तन तो उतने नहीं हैं, और शाम का खाना भी हम लोग को वहीं से मिलता है, तो 2 बॉक्सेस ये हम लोग को वहाँ से मिल गए हैं, तो इसी में हम लोग का शाम का तो हो जाएगा। और एक ये बॉक्स भी मिला है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक ये बॉक्स मिला है, ये मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या मिला है। मुझे भी नहीं पता अभी तक कि इसमें क्या है क्या नहीं है, मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ, तो इसमें पता नहीं क्या है, कुछ गीला गीला लग रहा है, शायद एक गुलाब जामुन टाइप है, नहीं लड्डू हैं, और देखते हैं, आई थिंक बेसन के लड्डू हैं। ये शकरपारे हैं, दिख रहे हैं दूर से ही, ये क्या है भाई, खस्ता है, और ये बेसन का सेव है, ये भी बाहर से दिख रहा है, और ये मटरी है, छोटी मटरी होती है ना भाई, तो ये सब पूरा ये वहाँ से, सबको तो नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है, खास खास लोगों को ही मिलता है, तो ये वहाँ से प्रसाद का बॉक्स मिला है। और एक चीज़ और भी मिली है, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। और ये मिली है मुझे गुरुजी की आज फ़ोटो, क्योंकि वहाँ पे आज कुछ कुछ लोगों के लिए फ़ोटो उन लोगों ने बनवाई थी और बांटने के लिए बनवाई थी, तो ये मुझे भी मिली। तो ये और वो बॉक्स और खाना पीना प्रसाद और भी बहुत कुछ कुछ मिला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, व्लॉग को आगे ना बढ़ाते हुए करते हैं यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में नए दिन के साथ। और तब तक के लिए मेरे व्लॉग्स देखिए, शॉर्ट्स वीडियोस देखिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट भूल जाइए तो मजाक करिए। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।